शांति, ओम शांति। आज हम सभी इस सत्र में विशेष ब्रह्मांड योग के बारे में, यहां संगम युग में हम सभी आत्मा अपना भाग्य का ताका क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। जब आत्मा परिणाम से इस शरीर में आता है तो इस ब्रह्मांड में हम सबका एक ताका होता है, इसको कहते हैं ब्रह्मांड में हरेक का अकाउंट खुला जाता है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है ना, अकाउंट होता है ना बैंक में, ऐसे ही हर आत्मा जब परिणाम से इस धरती पर आता है, इस आधार करता है, उनका ब्रह्मांड में एक अकाउंट खुल जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्मांड का कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर? जब आत्मा अपना जो अकाउंट इधर जमा करता है ब्रह्मांड में, उसी के अनुसार उसका रिटर्न्स मिलता है, उसी को प्रालब्ध कहा जाता है। जैसे हम लोग सत्यु में इतना राज्य बड़ा होगा है, वो सब कहाँ डिपॉजिट होता है? जब आत्मा परिणाम में चले जाता है तो सबका भी स्टेज कैसे होता है? परफेक्ट। लेकिन आत्मा जब शरीर में आता है तो किस आधार पर उसका रिटर्न्स मिलता है? जो ब्रह्मांड के कंप्यूटर में जो जो जमा किया है उसी के अनुसार मिलता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रारब्ध, यानी कर्म का फल। हम अनेक आत्मा इस संसार में हमारा अकाउंट्स होता है। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत अकाउंट। दूसरा होता है जॉइंट अकाउंट, यानी सामूहिक अकाउंट। सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत अकाउंट, दूसरा होता है जॉइंट सामूहिक अकाउंट। कैसा बनता अकाउंट? जो हमारे से जाता है वो कर्म है, जो हमको इस यूनिवर्स से मिलता है, इसको बाबा कुदरत कहते रहते हैं। आप सबने सुना होगा, एक कुदरत से जो मिलता है, कुदरत यानी नेचर, नेचर यानी ब्रह्मांड, उससे जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? कर्म का फल, भाग्य कहा जाता है।